नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी। ज़्यादा सामान की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पनीर, जिसे मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया है। और इसके साथ हमें चाहिए टमाटर। यहाँ पर मैंने चार बड़े टमाटर काट के रख लिए हैं, आप पांच छोटे टमाटर भी लेके काट सकते हैं। और उसके साथ चाहिए हमें थोड़ी सी अदरक, बिल्कुल ज़रा सी, आप ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी अदरक हमें चाहिए। और साथ में हमें चाहिए थोड़ी सी दालचीनी, दो इलायची और चार हमने लौंग लिए हैं। ये हो गए हमारे खड़े मसाले, साथ ही कुछ दाने काजू के। और पनीर को हमने थोड़ा सा ग्रेट करके रख लिया है, इसे हम सब्जी बनने के बाद गार्निशिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस सब्ज़ी को बनाने का। प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपनी बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी। कढ़ाई गैस पर रख दी है, अब अपना फ्लेम ऑन करके हम घी के अंदर मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे और टमाटर ऐड करेंगे। ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 2 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाता है। इसके साथ ही ये खड़े मसाले, दालचीनी, इलायची और लौंग, ये भी मैंने डाल दिया। रोस्ट हो गए हैं, इसके साथ ही टमाटर और अदरक भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही काजू भी डाल दूंगी, सारा सामान एक साथ। अब इसे हल्का सा सौते करूंगी, टमाटर थोड़े से गल जाने चाहिए। उसके बाद गैस कर दूंगी बंद और इसको ठंडे होने का इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मुझे इस मसाले को मिक्सी में पीसना है। अब इसके साथ ही मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूंगी, एकदम चुटकी जितना नमक, बिल्कुल ज़रा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां जो हैं वो जल्दी गल जाती हैं। तो नमक डाल दिया है, अब इसे अच्छे से हिला लेती हूँ और टमाटरों को गलने का इंतज़ार करूँगी। थोड़ा थोड़ा टमाटर जो है देखिए गलने लगे हैं, गलने देंगे। सिम पर रखा हुआ है मैंने गैस को, थोड़ी देर इसे ऐसे और पड़ा रहने देते हैं। और जल्दी गलाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने इस पे ढक्कन जो है वो प्लेट रख दी है, इससे क्या होगा टमाटर जल्दी गल जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इस मसाले को ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम यदि आप मसाले जो हैं वो मिक्सी में डालकर आप ग्राइंड करेंगे तो उससे ग्राइंडर थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। तो इस मसाले को हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और उसके बाद हम आगे अपना प्रोसेस जो है वो पनीर की सब्ज़ी का रखेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी पनीर की, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, गैस इसका कर देती हूँ मैं बंद और अब इसको ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। लीजिए मसाला जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसे हम इस ग्राइंडर जार में डालेंगे। और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे।
लीजिए, एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार है। कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसका, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस उसी कढ़ाई के अंदर पलटेंगे और अपना गैस जो है वो उसको ऑन कर देंगे। गैस ऑन कर दिया है मैंने और अब इस बैटर को अच्छे से इसमें डाल देंगे। खड़े मसालों में से हमने कुछ भी बाहर नहीं निकाला है, इन सबको हमने टमाटर के साथ पीस लिया है और अच्छा सा अपना एक बैटर तैयार कर लिया है। देखिए कलर कितना सुंदर आया है, अभी जबकि हमने इसमें किसी भी तरह का कोई भी मसाला नहीं डाला है, लेकिन कलर देखिए कितना सुंदर कलर है, एकदम जैसे बाज़ार में पनीर की सब्ज़ी मिलती है होटल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होगा। और देखिए ज़्यादा मेहनत की भी इसमें हमें नहीं करनी पड़ी और ना ही हमें इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़े, ना ही प्याज डाला ना ही लहसुन डाला। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, साथ में ऐड करते हैं थोड़ा सा चिली पाउडर। बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि इसमें हमने अदरक भी डाली है, खड़े मसाले भी डाले हैं, तो वो भी थोड़े से तेज़ होते हैं। और बिल्कुल नाम मात्र चुटकी भर जितनी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, और चुटकी भर गरम मसाला, चुटकी भर गरम मसाला। बहुत ही स्वादिष्ट आपकी पनीर की सब्ज़ी तैयार होगी। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसमें ज़रा सी टमाटो केचप भी ऐड कर देंगे, बिल्कुल ज़रा सी। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। देखिए ग्रेवी कितनी सुंदर बनी है, कितनी थिकनेस है इसके अंदर। बहुत ही आसानी से हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार। और बिल्कुल सिम पर पका रही हूँ मैं, क्योंकि हम टमाटरों को पहले से ही गला चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब इसके अंदर मैं पनीर जो है वो ऐड कर दूंगी। देखिए लग रही है ना कितनी टेस्टी, कितनी यमी। और इसकी क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर जो हमने ये ग्रेट करके पनीर रखा था इसको भी डाल देंगे। इससे इसकी ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर जो है वो ऐड हो जाएगा। सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब लास्ट जो चीज़ है वो इसमें मैं फ्रेश मलाई जो है वो ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 चम्मच जितनी फ्रेश मलाई मैंने इसमें ऐड की है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और कलर देखिए एकदम से सब्ज़ी का कलर जो है वो चेंज हो गया और हमारी यमी पनीर की सब्ज़ी तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी बनाइए, बनाकर देखिए और परिवार के जनों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी यमी पनीर की सब्ज़ी।